किस प्रकार उसको हॉस्टल में रहते हुए हॉस्टल के बाथरूम को साफ करवाना, हॉस्टल में पोछा लगवाना। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पिछले एक हफ्तों में जो आंदोलन प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन और आंदोलन के बीच में आप सभी को विषय लगभग ज्ञात है। उसके बाद भी पूरे देश भर में जो विद्यार्थी परिषद का संघर्ष है, उस संघर्ष को आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को जानना बहुत आवश्यक है। 17 वर्षीय लावण्या, जिसके ऊपर धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया जाता है और धर्मांतरण स्वीकार नहीं करने पर उसको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि अंत में उसको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है। और आत्महत्या भी वो कहाँ करती है, तो आत्महत्या वो अपने स्कूल के हॉस्टल में करती है, जहाँ पे उसको वहाँ की वार्डन द्वारा धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है। ना सिर्फ उसके ऊपर, उसके माँ बाप के ऊपर भी धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है। और आत्महत्या करने से पहले उसका एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो वायरल में वो पूरे घटना को लेकर विस्तृत जानकारी के साथ वहाँ के लोगों को बताने का प्रयास करती है, किस हिसाब से, किस प्रकार उसको हॉस्टल में रहते हुए हॉस्टल के बाथरूम को साफ करवाना, हॉस्टल में पोछा लगवाना, हॉस्टल के वार्डन की सेवा करवाना। और केवल इसलिए किया जाता है कि वो धर्मांतरण नहीं करती, क्योंकि वो हिंदू और सनातन धर्म और उसकी परंपरा से बड़ी हुई बालिका होती है। ये केस वहाँ नहीं थमता। लावण्या के माता पिताजी FIR करवाने जाते हैं, केवल सुसाइड का केस लगाया जाता है, धर्मांतरण का किसी प्रकार का कोई केस उस पर FIR दर्ज, FIR की कॉपी में कहीं भी जिक्र नहीं होता। 19 जनवरी की ये घटना होती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी विरोध प्रदर्शन होता है। विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपती है। लावण्या के माता पिता मद्रास हाईकोर्ट जाते हैं, मद्रास हाईकोर्ट में जाकर निवेदन करते हैं कि हमें राज्य की पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो धर्मांतरण के मुद्दों को दबाना चाहती है। मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट एक लाइन में वहां की सरकार को आदेश देती है कि आपको इस केस में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, हम इस केस को उठाकर CBI को देते हैं। लेकिन उसके बाद 14 फरवरी को वहां की DMK की सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और यह कहती है कि उस केस को CBI के दायरे से बाहर निकाला जाए, इस केस को राज्य पुलिस को ही देखना चाहिए, राज्य पुलिस के अंदर ही उस केस को हैंडल करना चाहिए, वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लाइन में स्पष्ट आदेश वहां की सरकार को दिया कि इस केस को CBI के दायरे में रहना चाहिए और मद्रास उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया उसका हमको पालन करना चाहिए, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। यहां तक की घटना होती। उसके बाद शर्म का विषय यह होता है कि जिस वार्डन के ऊपर FIR होता है, जो वार्डन पिछले 14 दिनों से जेल में रहती है, जब उसको जमानत मिलता है तो वहां के सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक वहां जाकर उस वार्डन का स्वागत करते हैं, श्रीफल जा भेंट करके जेल के सामने उसका सम्मान करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि वहां की सरकार किन विचारों को लेकर काम कर रही है और किस विचारों से प्रेरित होकर काम कर रही है और किस दिशा में काम कर रही है। वहीं जैसा कि मैंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चलता है, CM हाउस घेराव करने के लिए विद्यार्थी परिषद की टीम वहां पर जाती है, राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में आंदोलन कर रही विद्यार्थी परिषद की टीम को गैर कानूनी तरीके से ऐसे ऐसे गैर जमानती धारे लगाए जाते हैं कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। CM हाउस घेराव क्या होता है वो हमको और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस लोकतांत्रिक देश में हम प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, कैसे विरोध करते हैं, कानून को अपने हाथों में ना लेते हुए किस प्रकार से सूचना देके हम विरोध करते हैं, ये हमको आपको सबको पता है। लेकिन फिर भी सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचाना और इस प्रकार का आरोप वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा, प्रबंधक द्वारा लगाकर राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री सहित ऐसे विद्यार्थी परिषद के 30 कार्यकर्ताओं को 14 दिनों के रिमांड के लिए भेजा जाता है। आप लोग कल्पना करिए, छात्र संगठन का कार्यकर्ता एक लावण्या के न्याय की मांग को लेकर चेन्नई में प्रोटेस्ट करता है, उसके आत्महत्या के आरोपी को जमानत मिल जाती है, वो बाहर घूमता रहता है, स्कूल प्रबंधक के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, वहीं न्याय की मांग करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम को CM हाउस के सामने से उठाया जाता है। ना सिर्फ उठाया जाता है, दिन भर उनको ऐसे मैरिज हॉल में रखा जाता है ताकि विद्यार्थी परिषद की टीम को पता न चल सके कि उनको कहां रखा गया है। रात को 12:30 बजे मैजिस्ट्रेट वहां पहुंचते हैं, रात को 12:30 बजे सुनवाई चालू होती है, 2 बजे तक सुनवाई चलती है और सुबह 6 बजे उनको जेल भेजा जाता है। यानी कि वहां की सरकार की कार्य पद्धति से स्पष्ट है कि वहां की सरकार डरी हुई है, इस मुद्दे को बाहर नहीं ले जाना चाहती,
इस मुद्दे को उछालना नहीं चाहती, केवल इसलिए नहीं चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं वहां की सरकार का हाथ प्रत्यक्ष रूप से ऐसे लावण्या जैसे केस में है। और सिर्फ ये लावण्या का विषय नहीं है, आज ये पूरे देश का विषय है, देश भर की छात्राओं का विषय है। और आगे ऐसी किसी छात्रा आत्महत्या का शिकार ना हो, ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण का शिकार ना हो, इसलिए विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। और परसों विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे एक दिन का धरना प्रदर्शन आजाद चौक में किया, कल पूरे अलग अलग भागों में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया। ना केवल रायपुर के अलावा शहर जितने भी प्रांत के प्रमुख शहर है पूरे प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया है। मैं आपके माध्यम से वहाँ की सरकार को चुनौती भी देना चाहता हूँ कि भले ही यह घटना तमिलनाडु की है लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का देश भर का कार्यकर्ता शांत नहीं रहने वाला है, और तब तक शांत नहीं रहेगा जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिल जाता। और आने वाले समय में हम प्रदेश भर के प्रत्येक विश्वविद्यालय केंद्रों में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, रैली के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से एक बड़ा मूवमेंट करने वाले हैं। आज एक केवल लावण्या का विषय जरूर है लेकिन आने वाले समय में और कोई लावण्या ऐसे आत्महत्या की शिकार ना हो और आत्मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो, इस सोच के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारी नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी और अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर हम सभी कार्यकर्ता आने वाले समय में पूरे प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करने वाले हैं। और जो तुष्टिकरण की राजनीति डीएमके की सरकार तमिलनाडु के अंदर कर रही है वो तुष्टिकरण की राजनीति बंद करे, और पूरे देश और पूरे प्रदेश की तरफ से हम यहाँ बैठे बैठे लोकतांत्रिक ढंग से, जिस प्रकार हम सीएम हाउस के सामने लोकतांत्रिक प्रणाली से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी प्रकार से आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ के अंदर भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। तब तक हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की रिहाई नहीं हो जाती तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।